सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मौलाना की कहानी आपको की चर्चा करेंगे जो धर्म के मामले में तो बहुत भारी जानकार थे, लेकिन उन्होंने धर्म की पॉलिटिक्स कभी नहीं की, उल्टा सेकुलर पॉलिटिक्स और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में उनका कोई जोड़ नहीं। जोड़ इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये सज्जन हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस दौर में सबसे लंबा अध्यक्ष थे जब आज़ादी की लड़ाई सबसे पीक पे थी और सबसे ज़्यादा घमासान मचा हुआ था, मुल्क के बंटवारे का भी, मुल्क की आज़ादी का भी। मौलाना अपने जन्म से तो मक्का में उनका जन्म हुआ था और काफ़ी बड़े ख़ानदान में जन्मे थे, सूफी परंपरा में उनके पिता का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था और ख़ुद भी मौलाना बहुत कम उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें जान गए थे। उनके बारे में सरोजिनी नायडू का चुटकुला ये चलता था कि जन्म के समय ही वो 50 वर्ष के वयस्क थे, उनकी इतनी उम्र थी जितनी 50 वर्ष, इतना ज्ञान था जितना 50 वर्ष के आदमी को होता है, मौलाना को इतना ज्ञान था। तो मौलाना ने वहाँ से शुरुआत की और धर्म के मामले में तज़किरा उनका बहुत नामी किताब है, फिर उस कुरान का वो अनुवाद कर रहे थे जेल के दौरान, जब रांची में उनको लंबा जेल की सज़ा हुई थी तब। तो मौलाना ने धर्म का कभी इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया, बल्कि वो ऐसे बहादुर आदमी हैं और इसलिए काफ़ी उनके इतिहास की धारा वो बहुत साफ देख रहे थे कि इतिहास कहीं और जा रहा है, मुल्क मटने वाला है, मुसलमानों की लीडरशिप अलग हो गई, देखते देखते वो हाथ से फिसल गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कोई राय बदलने की कोशिश नहीं की। इस बात के काफ़ी सारे इतिहास में किस्से हैं कि किस तरह से जिन्ना ने उन पर डोर डालने की कोशिश की, लेकिन मौलाना ने एक दफ़े भी जिन्ना की किसी बात का कोई ध्यान नहीं दिया, न किसी बार अपनी अपने सेकुलरिज्म पे और मुल्क में क्या ज़रूरत है इस पर कभी पुनर्विचार किया। जो उन्होंने राय बनाई थी उस पर वो अडिग रहे और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके चलते इतिहास में अगर आप इतिहास की धारा के ख़िलाफ़ होते हैं तो किस तरह से आपको नुकसान उसका उठाना पड़ता है, उसके उदाहरण मौलाना थे। लेकिन मौलाना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका आज़ादी की लड़ाई में थी और विभाजन के समय वो अध्यक्ष थे, इसलिए जिन्ना ने उनका काफ़ी अपमान किया जब जिन्ना से उनकी नहीं बनी या जिन्ना ने उनकी उन्होंने जिन्ना की बात नहीं मानी अपनी तरफ आने की, तो जिन्ना ने उनका काफ़ी अपमान किया, उनके लिए अपमानजनक शब्द कहे खुलेआम, और ये हालत हो गई कि ये कह दिया कि अध्यक्ष के रूप में अगर मौलाना आएंगे तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। जहां लीग और कांग्रेस के अध्यक्ष के मिलने की बात थी, उन सवालों पे भी जिन्ना ने इनको अलग करने की कोशिश की और कई बार ये हुआ कि मौलाना ने खुद को विड्रॉ किया और उनकी जगह जवाहरलाल नेहरू उनके प्रतिनिधि होके गए बातचीत में। और ये जुमला सा अब लगता है, लेकिन ये कहा गया कि जवाहरलाल जी अपनी बात नहीं करेंगे, मौलाना की बात करेंगे, जो मौलाना के पोजीशन है उन्हीं के पोजीशन के बेसिस पे बात करेंगे। ऐसे थे मौलाना आज़ाद और काफ़ी कष्ट उन्होंने झेला जीवन में भी, और उनके कई किस्से हैं, जैसे उनकी पत्नी, उनका बच्चा मर गया काफ़ी कम उम्र में, उस समय भी इलाज की दिक्कत हुई थी उसको और मौलाना जेल में थे, लेकिन पत्नी तो तब मरी जब 42 में मौलाना जेल में थे, अहमदनगर जेल में थे, और उस समय एक हफ्ता पहले ही कस्तूरबा की मौत हुई थी। मौलाना जेल से गए नहीं, जेल से छूटे नहीं, पेरोल नहीं मांगा, बीमारी के लिए कभी आग्रह नहीं किया। तो ये, लेकिन जब मौलाना अध्यक्ष हुए, मौलाना की लाइफ स्टाइल काफ़ी शानदार था, अगर जिन्ना और मौलाना की तुलना करें तो बहुत मज़ेदार। जिन्ना एकदम टाई और सूट वाले थे, इंग्लिश सूट वाले, मौलाना एकदम देसी कपड़े लत्ते और मूछें बहुत अच्छी, सुंदर दाढ़ी, ये सब चीज़ें, खाने पीने के शौकीन थे, चाय के बड़े शौकीन थे मौलाना। और मौलाना का ज्ञान असल में सबसे ज़्यादा था, और जो पत्रिका उन्होंने 20 साल 22 साल की उम्र में निकाली, अल हिलाल, और फिर जब वो बैन हुआ तो उसके बाद अल बिलाल, वो उस समय उनके मुस्लिम दुनिया में और अपने मुसलमान समाज में उनको काफ़ी आगे करने वाला था, लोग उनके पीछे दीवाने हो गए उस पत्रिका के चलते।
और कई लोग जो घर पे मिलने आए उनको भरोसा नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र का, बल्कि ये चुटकुले हैं कि ये कहा गया कि अपने अब्बा को बुलाओ, कि वो शायद अब्बा निकालते होंगे, ये भ्रम उनको था। मौलाना ने इसी तरह की व्याख्या कुरान की भी की थी, दुर्भाग्य से वो कॉपियाँ गायब हो गईं, जेल से उन्होंने किसी को दी, फिर कुछ जेल में पकड़ ली गई। उन्होंने सारा कुरान अनुवाद नहीं किया था उस समय तक, लेकिन कुरान का अनुवाद उनका था और उनका बहुत साफ संदेश था कि कुरान कहता है कि गुलामी से लड़ो, आज़ादी के लिए लड़ो। कुरान की ये व्याख्या आज़ादी की लड़ाई के दौरान अपने आप में महत्वपूर्ण है। मौलाना गए तो थे सबसे पहले 1906 में ढाका में, जब लीग की स्थापना हुई उस कॉन्फ्रेंस में गए थे, लेकिन लीग ने जब ये प्रस्ताव पास किया कि वो राज के प्रति स्वामी भक्त रहेगा, उसके बाद ही बाकी काम करेगा, तो मौलाना का लीग से मोहभंग उसी समय हो गया और वो क्रांतिकारी जमात में गए। बंगाल में क्रांतिकारियों का अड्डा था, काफ़ी बड़ा, काफ़ी काम था, और उस समय लेकिन मुसलमानों की भर्ती क्रांतिकारी ग्रुप में बहुत कम होती थी। उस हिसाब से मौलाना शायद पहले ऐसे थे जो वहाँ गए और फिर उसके बाद कांग्रेस में आए। उनका प्रोज इतना बढ़िया है, कोई पढ़ना चाहे तो साहित्य अकेडमी ने बहुत अच्छी किताब उनकी छापी है गुब्बारे खातिर, जो स्क्रिप्ट बदल के आई है, मुझे लगता है उससे बढ़िया प्रोज लिखने वाला मैंने तो नहीं पढ़ा वो जेल के समय। लेकिन वो सारी राइटिंग मौलाना की 45 तक की है, उसके बाद के जीवन में मौलाना ने लिखना पढ़ना लगभग छोड़ दिया। यमुनालाल बजाज जी उनको बोलते रहे कि मैगजीन निकालो, वो मैगजीन भी जिंदा करने को तैयार नहीं थे, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखवाई इंडिया विंस फ्रीडम, और उस किताब से जो कंट्रोवर्सी हुई उसने मौलाना की प्रतिष्ठा कम की है, क्योंकि उस किताब से मौलाना की इमेज बनती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे बहुत। और अब राजमोहन गांधी वगैरह ने लिख के ये लगभग साबित कर दिया है कि वो किताब असल में मौलाना की लिखी हुई नहीं है, वो अंग्रेज़ी में लिखी गई है, मौलाना कुछ बोलते थे, लिखने वाले ने कुछ और लिखा। मैं जो प्रसंग कहना चाह रहा हूँ मौलाना के जीवन के बारे में और मौलाना के लाइफ स्टाइल के बारे में, वो थोड़ा इन सबसे अलग हट के है। वो ये है कि कांग्रेस के दो अध्यक्ष सुभाष बाबू और मौलाना आज़ाद ऐसे हुए जो अध्यक्ष वाला डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा वैसे नहीं मानते थे। उस ज़माने में अध्यक्ष ही सबसे ज़्यादा चंदे जुटाता था, उसी को चंदे मिलते थे और वो सब सेंट्रल ऑफिस को देता था, वहाँ से बंटवारा होता था पैसा कि किसको कितना हिस्सा जाएगा। तो अंदर अंदर ये भुनभुनाहट रहती थी कि ये दोनों अध्यक्ष क्यों नहीं पैसा देते हैं, ये खा जाते होंगे, कहीं ले जाते होंगे, इस तरह का तो कोई आरोप उस समय लगता भी नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन्होंने कभी सेंट्रल दफ्तर को बहुत खर्चे का हिसाब नहीं दिया। सुभाष बाबू थोड़ा उनकी जीवन शैली और ज़्यादा खर्च वाली थी, खर्चीली थी, लेकिन मौलाना उतने खर्चीले नहीं थे, तब भी उनकी लाइफ स्टाइल अलग थी और उनके यहाँ अभाव भी लगा था। लेकिन ऐसा मौलाना जब मरा, ये कृपलानी का लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने अपने विल में ये लिखा कि मेरे खाते में 1.5 लाख रुपया कांग्रेस का है और जिन चीज़ों से देनदारी मेरी चुकानी हो ये 1.5 लाख रुपये कांग्रेस को चुकाए जाएं। और ऐसा हुआ भी, मरने के समय तक कांग्रेस के हिसाब रखिए, वो सार्वजनिक धन है और उस धन की भरपाई हो तब तक नहीं कर पाए, तो विल में ही लिख के उन्होंने उसको निपटाने की कोशिश की। ऐसा लीडर और ऐसे लोग आज के तारीख में नहीं हैं, सार्वजनिक धन का, सार्वजनिक जीवन का और जिन मूल्यों के लिए जीते रहे उनको अमल में लाने का ऐसा उदाहरण काफ़ी कम दिखाई देता है। फिर मिलेंगे बात बोलेगी कि एक और एपिसोड। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।